Praise be to the Lord's holy name. प्रभु की नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। We greet you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ and welcome you to this Bible study. हमारा प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को शुभकामनाएं देते हुए इस बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करते हैं। The third segment of the last chapter of the world. संसार के अंतिम अध्याय का जो विषय है उसका तीसरा हिस्सा में हम आपका स्वागत करते हैं। In the Bible there are prophecies concerning Israel, God's chosen people. बाइबल में परमेश्वर के लोग इज़राइल करके उनके विषय में भविष्यवाणियां हैं। There are end time prophecies concerning the world in general. और आम तौर से संसार के बारे में भी बाइबल में काफी कुछ भविष्यवाणियां हैं। And there are prophecies concerning Jesus Church. और अंत में प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के बारे में भी बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं। And we are studying about these three groups of people. हम लोग तीन झुंड के लोगों के बारे में देख रहे हैं। The last chapter of the world. संसार के अंतिम अध्याय। The last chapter of Israel. इज़राइल का अंतिम अध्याय। The last chapter of the church. कलीसिया के अंतिम अध्याय। In the first topic, the last chapter of the world. पहला विषय जो इस संसार के अंतिम अध्याय में। We are going to listen to the third segment. आप उस विषय का तीसरा हिस्सा को सुनने जा रहे हैं। The last chapter of the world, third segment. You are welcome. आप को इसमें हम लोग स्वागत करते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। So in the earlier two segments we saw that the history of the world is we see seven kingdoms in the history of the world. इससे पहले का जो हिस्सा है उसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ये हिस्सा पाया जाता है। We saw a few passages from the book of Revelation and from the book of Daniel. हम लोगों ने कुछ भागों को प्रकाशित वाक्य में से और दानियल की पुस्तक में से देखे। In the book of Revelation chapter 17 we read from verse 1 to 14. और प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय का हम लोगों ने पहला वचन से लेकर 14वां वचन तक देखे। In the book of Daniel we saw chapter 2 and chapter 8. दानियल की पुस्तक में दूसरा अध्याय और 8वां अध्याय को हम लोगों ने देखा। In the book of Revelation chapter 17 in verse 10 we read the world history in nutshell. हम लोगों ने उस प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय का 10वां पद में देखा कि संसार का जो इतिहास है उसको बिल्कुल संक्षेप रूप में दिया गया है। It is revealed unto John and given unto us. उसको प्रकट किया गया था यूहन्ना के पास और हमारे पास ये दिया गया है। There shall be seven kingdoms. सात ऐसा साम्राज्य होंगे। And before the days of John, five kingdoms had fallen. और यूहन्ना के दिनों से पहले पांच साम्राज्य गिर चुके थे। And John was in the sixth kingdom. और यूहन्ना छठवां साम्राज्य में था। And the seventh kingdom was not born then. सातवां साम्राज्य उस समय जन्म नहीं लिया था। And from the seventh kingdom, सातवां उस साम्राज्य में से another world ruler will come. और एक संसार के शासक आएगा। And he is identified as the beast. और उसको ऐसा पहचाना जाएगा कि वही पशु है। And we call him the Antichrist. और उसको हम लोग कहते हैं मसीही विरोधी। And he will rule with the seventh kingdom. और वो उस सातवां साम्राज्य में शासन करेगा। And that kingdom is called the eighth kingdom. और उस साम्राज्य को आठवां साम्राज्य कहा जाएगा। In the days of these kings. इन दिनों में इन राजाओं के दिनों में जीसस क्राइस्ट विल एस्टैब्लिश हिज किंगडम। प्रभु यीशु मसीह अपने साम्राज्य का स्थापन करेंगे। सो व्हेन वी रीड द बाइबल प्रोफेसीज और इसलिए जब हम बाइबल के भविष्यवाणियों को इन द लास्ट टू सेगमेंट्स आई सेड अगेन एंड अगेन और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं पिछले दो भागों में हिस्सों में 1/3 ऑफ आवर बाइबल इज प्रोफेसी प्रोफेटिक पैसेजेस और बाइबल का एक ऐसा मुख्य हिस्सा
भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। If we don't believe in prophecies, we don't believe one third of the Bible. अगर आप भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब आप बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं। If we don't understand prophecies, we are not understanding one third of the Bible. अगर आप बाइबल के भविष्यवाणियों को समझते नहीं हैं, इसका मतलब बाइबल का तीन भागों में से एक भाग को आप समझते नहीं हैं। If we neglect prophecies, we are neglecting one third of the Bible. अगर हम बाइबल के भविष्यवाणियों का हिस्सों को तिरस्कृत करते हैं, इसका मतलब हम बाइबल का तिरस्कार करते हैं। Prophecies are not very difficult to understand. भविष्यवाणियों को समझना इतना मुश्किल नहीं है। It is not just kept only for the scholars to study in Bible seminaries. ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बाइबल सेमिनरियों में जो विद्वान होते हैं, सिर्फ उनके समझ के लिए नहीं लिखी गई है। In the book of Daniel, we understand that wise men shall understand these prophecies. दानियल के पुस्तक में इन भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वे इस बात को समझ पाएंगे। It is not the wisdom of the world. और ये इस संसार का बुद्धि नहीं है। We cannot understand Bible prophecies with the wisdom of the world. इस संसार के बुद्धि को लेकर के इन बाइबल के भविष्यवाणियों को हम समझ नहीं पाएंगे। Fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय ही उस बुद्धि का आरंभ है। And Jesus is our wisdom. और प्रभु यीशु मसीह खुद हमारा बुद्धि है। Prophecies are given in the Bible not for us to neglect it. भविष्यवाणियां बाइबल में दी गई है हमें तिरस्कार करने के लिए नहीं। It is for us to understand. लेकिन हमारे लिए वो हमारे समझ के लिए दी गई है। It is for our own edification. ये अपने आप के लिए और हमारा भक्ति के लिए। When you see the book of Revelation, जब हम प्रकाशित वाक्य के उस The very title is Book of Revelation. It's not a book that is hidden from us. और ये प्रकाशित वाक्य जो है, ये कोई छिपी हुई किताब नहीं है। It is to show unto his servants the things that shall come to pass. और अपने सेवकों को जो होने हार बातें हैं, घटनाएं हैं, उसको दिखाने के लिए दी गई है। So the very purpose of the book is to show unto us the things that shall come to pass. और इसीलिए इस किताब आपका मकसद खुद यही है कि हमारे लिए जो होनहार बातें हैं उसको बताएं। So in the island of Patmos, और इसीलिए उस बतमू का जो टापू है, when Jesus revealed unto himself to John, और उस पतमोस के उस टापू में जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यूहन्ना पर प्रकट किया, John was taken into heaven in the spirit. यूहन्ना को आत्मा में स्वर्ग तक उठा ले जाया गया। Everything that is going to take place, और जो कुछ जो होने वाला है, in the history of the world, और संसार के इतिहास में, is written in a book. सारी बातें एक पुस्तक में लिखा गया। And it was sealed with seven seals. उसके ऊपर सात मुहरें लगाया गया। Nobody has got the power or the authority to break open the seals and to show unto us the things that shall be hereafter. किसी को इतना ताकत या अधिकार नहीं है उन सारे मोहरों को तोड़ करके, उन बातों को खोल करके हमें दिखाने के लिए। John was broken. यूहन्ना बिल्कुल वहां टूट चुका था। He was weeping. वो बिल्कुल रो रहा था। Nobody has got the power, nobody has got the authority to break open the seals and to show unto us the things that shall be hereafter. इन सात मोहरों को तोड़ने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है, सामर्थ नहीं है, अधिकार नहीं है। No wise man से वो रो रहा था। No wise man can do it. और उसके पास एक आवाज आई। No philosopher can do it. और उसको कोई धर्म शास्त्र पढ़ने वाले नहीं कर सकते। No economic scholar can do it. कोई विद्वान या अर्थशास्त्र पढ़ने वाले उसको नहीं कर सकते। No king could do it. कोई राजा उसको नहीं कर सकते। Nobody could do it. कोई भी उसको नहीं कर सके। Nobody can break open those seals. कोई भी उन मोहरों को तोड़ नहीं सकते। When John was weeping, जब यूहन्ना रो रहा था, an angel told John, एक स्वर्गदूत उससे कहा, John don't weep. Don't weep.
तुम मत रो। Don't be worried that there's no one to break open these seals and show unto us the things that shall be hereafter। चिंता मत करो कि कोई उन मोहरों को तोड़ नहीं पाता है और उसके बातों को प्रकट नहीं कर पाता है। There is somebody who has got the power and the authority to break open the seals and to show unto us the things that shall be hereafter। एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सात मोहरों को तोड़ सकता है और उसमें के बातों को हम पर प्रकट कर सकता है। When John lifted up his head, he saw the Lamb of God that was slain standing there। जब यूहन्ना अपना सिर उठा करके देखा तो उसने देखा उस मेमना को जो भेदा गया वो मेमना था। Dear brother, dear sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, your wisdom could not help you understand the future, और कोई ऐसा बुद्धि इस भविष्य को समझने में काम नहीं आया। Your education may not help you understand the future. आपका जो शिक्षा है हो सकता है आपको काम नहीं आएगा इसको समझने में। No power on the earth can show unto you the things that should be hereafter. संसार में कोई भी सामर्थ जो बातें होने वाली है उसको नहीं बता पाएगी। But don't be afraid. लेकिन आप विश्वास रखिए। Don't be afraid. आप डरिए मत। The Lamb of God is standing in our midst. परमेश्वर का मेमना हमारे मध्य में है। The Lamb of God will break open these seals and show unto you the thing that shall be hereafter. वो छेदा गया मेमना हमारे लिए सारे मोहरों को तोड़ करके बातों को समझाएंगे। Glory be to the Lord's holy name. परमेश्वर की नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। So in the last two segments, और इसलिए पिछले दो भागों में, we were able to see what is given in the Bible and what happened in history. हम लोगों ने इस बात को देख सके कि बाइबल में क्या बातें दी गई है और इतिहास में क्या बातें हुई। The Bible talks about seven kingdoms in world history. बाइबल हमें सात ऐसे साम्राज्यों के बारे में बतलाती है जो संसार के इतिहास में हैं। Five kingdoms had already fallen in the days of John. यूहन्ना के दिनों में ही पांच साम्राज्य का समाप्ति हो चुकी थी। Those kingdoms rose, those kingdoms fell, as it had been predicted in the Bible. और जैसे बाइबल में कहा गया था भविष्यवाणियों के रूप में वो सारा साम्राज्य खत्म हुए। Egyptian empire, the first empire. और जैसे हम लोग मिस्र को पहला साम्राज्य के रूप में देखे, इट्स फॉल वाज प्रेडिक्टेड इन द बाइबल। और ये सारी चीजें वहां पे लिखा गया है उसका गिरावट तक। इन द डेज ऑफ किंग सनहेरिब ऑफ असीरिया द इजिप्शियन एम्पायर फेल। और सनकर्ब राजा के दिनों में वहां पे मिस्र का जो साम्राज्य वो खत्म हो गया। एज इट वॉज प्रोफेसाइड, जैसा भविष्यवाणी किया गया, असीरियन एम्पायर फेल इन द डेज ऑफ नबूकदनेस्सर। और अशूर के दिनों में अशूर का साम्राज्य नबूकदनेस्सर के दिनों में खत्म हुआ। As it has been prophesied with minute details, और जैसे छोटी छोटी बातों को भी भविष्यवाणी किया गया है। Babylonian empire fell in the days of Cyrus. हम देखते हैं कुसरू राजा के दिनों में वो बाबुल का साम्राज्य का समाप्ति। Then came the Medo-Persian Empire. उसके बाद मादियों का और फारसियों का साम्राज्य आया। Even the fall of Medo-Persian Empire was given in vivid detail in the book of Daniel. दानियल के पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस मादियों का और फारसियों का साम्राज्य का समाप्ति किस प्रकार होगा वहां विस्तृत रूप से दिया गया है। In the days of Alexander the Great. और सिकंदर जो महान सिकंदर कहलाता था उनके दिनों में Babylonian Empire fell. बाबुल का साम्राज्य खत्म हुआ। In Daniel chapter 8. दानियल के आठवां अध्याय में There we see a he-goat coming from the west. हम लोग देखे पश्चिम में से वो जंतु जो आया जो बकरा था। There was a strange horn in between its eyes. और उसके आँखों के बीच में एक अजीब सींग था। And the Bible says. बाइबल बतलाती है। That he-goat was the Grecian empire. वो यूनान साम्राज्य था वो सींग। And the strange horn was the first king of the Grecian empire. और वो अजीब सींग उस यूनान साम्राज्य का पहला शासक था। In history, इतिहास में, we know the first king of the Grecian empire is Alexander the Great. यूनान का पहला शासक वो सिकंदर है। He came against the Medo-Persian Empire in the year 333 BC. और 333 BC में
उस साम्राज्य के लिए वो आखिरी घंटी बजा दिया. इन द डेज ऑफ डारियस कोडमेनेस, और डारियस कोडमेनेस के दिनों में मेडो पर्शियन एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड. मादियों और फारसियों का वो साम्राज्य का समाप्ति हुई. इन द बुक ऑफ डैनियल, दानियल के पुस्तक में वी गेट अ वेरी क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडो पर्शियन एम्पायर एज अ रैम विद टू हॉर्न्स. हमारे पास एक विस्तृत उदाहरण दिया गया है वहां दो सींगों के बारे में. द लास्ट वॉर टुक प्लेस बाय द साइड ऑफ रिवर ओलाई. हम लोगों ने देखा उस उलाई नदी के पास वो युद्ध हुआ था. इट वॉज अ प्रोफेसी इन द डेज ऑफ डैनियल, और जैसे वहां भविष्यवाणियां हुई थी दानियल के दिनों में, इट बिकेम अ हिस्ट्री इन द डेज ऑफ अलेक्जेंडर. और सिकंदर के दिनों में वो भविष्यवाणियां पूरी हुई. एज इट वॉज प्रोफेसाइड बाय डैनियल इन डैनियल चैप्टर 8, जैसे दानियल के किताब में आठवां अध्याय में भविष्यवाणी किया गया. दैट स्ट्रेंज हॉर्न व्हिच वैक्स्ड ग्रेट, और वो अजीब सींग जो बड़ा होता गया, ब्रोक सडनली, और वो अचानक से टूट गया. इन हिस्ट्री, इतिहास में, व्हेन अलेक्जेंडर वाज बिकमिंग ग्रेट, जैसे सिकंदर महान हो रहा था, ही सडनली डाइड, वो अचानक से मर गया. हिज फुल नेम वाज, उसका पूरा नाम था आएगा सेक्सना अलेक्जेंडर, और वो सक्सेना सिकंदर करके उसका नाम था. अलेक्जेंडर द गोट, और वो सिकंदर जो बकरा था. हिज बैनर वॉज, उसका जो झंडा था गोट, और वो बकरा. सो 200 years even before he was born, इसीलिए 200 साल पहले उसके जन्म से पहले God had shown सारा कुछ दिखा दिया था. 200 years before Cyrus was born, कुसरू राजा के जन्म से 200 साल पहले his name was given to Isaiah, और यशायाह नबी को उसका नाम को बतलाया गया, दिखाया गया. 200 years before Persian victory was over Babylon happened, और वो जय जो बाबल के ऊपर हुई थी फारसी साम्राज्य का, God revealed that through Isaiah, उसको भी परमेश्वर यशाया को दिखा दिया था. My dear brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, prophecies are becoming history, भविष्यवाणियां इतिहास बन रही हैं. Yesterday's prophecies are today's news, कल का जो भविष्यवाणी है वो आज का खबर बन जाता है. As it was in Daniel chapter 8, जैसा दानियल के किताब आठवां अध्याय में है, when Alexander was waxing great, सिकंदर जैसा जैसा महान हो रहा था, he suddenly died in 11 years time, वो अचानक से 11 साल के अंतर्गत वो गुजर गया. In 322 Alexander died, 322 में सिकंदर चल बसा. As it was prophesied, जैसा भविष्यवाणी की गई, his kingdom was divided into 4 parts, उसका साम्राज्य 4 टुकड़ों में बांटा गया. And it is given a little horn will come out of one of those horns, और वहां दिया गया है कि उन सींगों के बीच में से एक छोटा सींग फिर से बढ़ेगा. In this segment, इस हिस्सा में, we'll be seeing about that little horn. I'll be explaining about that little horn a little bit. और इस हिस्सा में उस छोटा सींग के बारे में मैं और थोड़ा विस्तार रूप से आपको समझाऊं. So this Grecian empire, और ये यूनान का जो साम्राज्य है, was like that bronze abdomen of the image Nebuchadnezzar saw. और नबुकदनेज़र ने जो मूर्ति को देखा, उस मूर्ति का जो पेट जो पीतल सा था, बना हुआ था, उसके बारे में दर्शाती है. Where the head was the Babylonian empire, और जरूर उसका सिर वो बाबुल का साम्राज्य था. And where the breast was the Medo-Persian empire, उसका सीना जो है मादियों और फारसियों का साम्राज्य था. And in chapter 11, और 11वां अध्याय में we read about the wars between the southern kingdom of the Grecian empire and the northern kingdom of Grecian empire. हम देखते हैं यूनान का साम्राज्य का जो दक्षिण भाग है और यूनान साम्राज्य का उत्तरी भाग है, उन दोनों के बीच के युद्धों के बारे में हम पढ़ते हैं. As it was prophesied, जैसा वहां भविष्यवाणी हुई थी, in Daniel 11:30, और वहां पे दानियल उसका 11 का 30 में, इन द ईयर 60 BC, वहां 60 BC में रोमन जनरल पोम्पी
रोम का जो शासक है पोम्पी, he was going against the lost part of the Grecian empire from the port called Kittim. और किट्टी नामक उस पड़ाव से वो वहां निकल करके उनके विरोध में गया. Nearly 500 years ago, 415 years ago, it was prophesied. करीबन 500 साल या 450 साल से पहले ये बात यहाँ स्पष्ट रूप से लिखी गई है. He was succeeded by Julius Caesar. और उसके बाद जूलियस सीजर शासन करने लगा. In 30 BC, Julius Caesar was assassinated by his own fellow men. और जूलियस सीजर को अपने ही लोग मार के खत्म किए. His adopted son Octavius Caesar became the first king of the Roman Empire. और उसका लेपालक पुत्र ऑक्टेवियस सीजर उसके बाद फिर शासन करने लगा. He changed his name as the Augustus Caesar. और ऑक्टेवियस सीजर ने अपना नाम अगस्तस कैसर करके बदल दिया था. With that, the sixth empire was born. उसी से छठवां साम्राज्य that was the Roman Empire. जन्म लिया जो रोम साम्राज्य था. In the days of the Roman Empire. और रोम साम्राज्य के दिनों में. In the days of Augustus Caesar. उस अगस्तर कैसर के दिनों में. King of Kings, Lord of Lords, Jesus Christ was born on this earth. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया. Augustus was succeeded by Tiberius. और उसके बाद से दारियु वहां पे शासन करने लगता है अगस्तस के बाद. In the days of Tiberius Caesar, और उस कैसर के दिनों में Jesus Christ was crucified. और तिबेरियस कैसर के दिनों में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया. Jesus died. यीशु मसीह मरा. Buried. प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया. Rose again. प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे. Went to heaven. और उनका स्वर्गारोहण हुआ. Sent the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिए. The church was born. कलीसिया का जन्म हुआ. Everything happened as it has been prophesied. सारी बातें जैसा भविष्यवाणी हुई थी वैसा पूरा हुआ. In the days of Nero. और नीरो के दिनों में Peter was killed. पत्रस को मारा गया. Paul was killed. और पौलुस का हत्या किया गया. Nero was succeeded by Vespasian. और नीरो को वहां पे और एक राजा पार किया. In the days of Vespasian. और Vespasian के दिनों में वो राजा था. Under the leadership of his son Titus. और उसका और एक बेटा हुआ जिसका नाम तीतुस था. Jerusalem was burnt. और उसी के दिनों में यरूशलेम को जलाया गया. The temple was destroyed that there was no stone upon the other. यरूशलेम का मंदिर वहां पे तोड़ दिया गया. एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहा. That was also the fulfillment of prophecies. वो भी एक भविष्यवाणी का वो पूरा होने का बात के रूप में स्पष्ट रूप से देखते हैं. When Jesus was crucified, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, the people shouted, "Let this blood come upon us and upon our children." लोगों ने चिल्लाया, इसका खून का दोष हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर लगाया जाए. One generation is 40 years. एक पीढ़ी का जो समय काल होता है वो 40 साल का होता है. Jesus was crucified in 30 AD. और यीशु मसीह 30 एडी में मारा गया. इन 70 एडी, 70 एडी में, इवन बिफोर वन जेनरेशन कुड पास अवे, एक पीढ़ी खत्म होने से पहले भी, द कंडेमनेशन ऑफ गॉड केम अपॉन दोस पीपल, परमेश्वर का दंड उस पीढ़ी के लोगों के ऊपर आया. In the days of Vespasian, और Vespasian के दिनों में, thousands of Jews in Jerusalem were crucified. हजारों हजार यहूदियों को यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाया गया. On the streets of Jerusalem, where the blood drops of Jesus fell. और जहां पे यरूशलेम के उन सड़कों में जहां प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा, there the blood of the Jews were flowing like a river. अबेड़ी 70 में वहां यहूदियों का खून बहता गया. The crosses were not enough to crucify the Jews. वहां पे जितना क्रूस था वो काफी नहीं था सारे यहूदियों को मरवाने के लिए. In the assembly of Jews, they sent elephants
to kill the Jews under their feet, to trample them under the feet of the elephants. इस कारण से वो लोग हाथियों को यहूदियों के बीच भेज दिए ताकि हाथी इन लोगों के ऊपर चले और उनको राउंड करके मारे. Jerusalem had a bloodbath. यरूशलेम वहां लहू से नहलाया गया. The historian says, इतिहास लिखने वाला कहता है, even the people who saw the crucifixion of Jesus Christ saw this catalysm. जो लोग प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस पर चढ़ाए जाने का बात को देखे वो इस बात को भी देखे. Jerusalem was destroyed. यरूशलेम नाश किया गया. The temple was burnt. वहां वो मंदिर जलाया गया. It was to the prophecies of Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां पूरा हुआ. And Titus was succeeded by Domitian. तीतुस डोमिटियन यानी कि तीतुस के बाद डोमिटियन आया. And Domitian, he introduced the worship of the king. और डोमिटियन जो है वो उस शासक का आराधना को परिचय कराया लोगों के बीच. Christians who refused to worship a king was persecuted. और डोमिटियन राजा को जो मसीह लोग दंडवत नहीं किए आराधना नहीं किए उन सबों के ऊपर बड़ा सताव आया. This is the background in which John was sent to Patmos as a prisoner. और इसी पृष्ठभूमि में वहां यूहन्ना वो पतमोस का जो टापू है वहां भेजा जाता है. That was the sixth kingdom. और वो था छठवां साम्राज्य. Roman Empire. और वो था रोम का साम्राज्य. The seventh kingdom was then not come. उस समय सातवां साम्राज्य आया नहीं था. Roman Empire slowly deteriorated. धीरे धीरे से रोम साम्राज्य का समाप्ति होने लगी. The countries in the erstwhile Roman Empire was disintegrated into 24 countries. और रोम साम्राज्य को 24 ऐसे देशों के रूप में बांटा गया टुकड़ों में वो हो गया. Some countries became very strong. कोई कोई देश बहुत मजबूत हो गए. Very rich. बहुत अमीर बन गए. Some countries became very poor. कोई कोई देश बहुत ही गरीब हो गए. On one side, एक तरफ America was becoming a world power. अमेरिका एक विश्व ताकत बन रही थी. Russia was becoming a world power. रूस देश एक विश्व का ताकत बन रही थी. The countries in the east are becoming a world power block. और जो पूर्वी देश है वो भी सामर्थी होता गया. So Europe, यहाँ पे elsewhere Roman Empire, यहाँ पे रोम का जो साम्राज्य है, they saw a lesson in it. वो लोग वहाँ पे एक सबक सीखे. Divided we fall. वो लोग इस बात को सीखे. United we stand. विभाजित हम लोग गिर जाते, एकत्रित हम लोग जीत पाते. In the year 1950, इसीलिए 1950 में in Rome, रोम साम्राज्य में a Roman treaty was formed. वहां पे एक रोम का वाचा बांधा गया. Slowly that grew into a community, a trade community. धीरे धीरे वो एक राज्य का समुदाय बनने लगा. It became States of Union. और वो एक राज्य का उप संगठन बन गया. And now it has got 27 countries. अभी उसमें 27 देश है. 13 countries are very strong. और उन 27 देशों में 13 देश जो है गरीब है. 14 countries are very weak. और 14 देश बहुत कमजोर है. To the fulfillment of prophecies. और भविष्यवाणी जैसा पूरी हो रही है उसके बारे में. Iron and clay have come together. यहाँ पे लोहा और मिट्टी एक साथ मिल गई है. The final kingdom is born. और अंतिम साम्राज्य का जन्म हो गया है. On the 1st of January 2010. और जनवरी पहला तारीख 2010 को European Union has become a union of states. यूरोपियन जो संगठन है वो राज्यों का संगठन हो गया है. It has got its own president. उसके पास एक राष्ट्रपति है. It has got its own parliament. उसके पास अपना ही वो विधानसभा है. Got its own symbol. उसके पास अपना ही एक चिन्ह है. It has got its own
a currency. उसके पास अपना ही पैसा है. It has got its own external policy. उसके पास अपना ही विदेशी जो पॉलिसियां होती हैं. It is one union of states. और ये एक ही संगठन है राज्यों का. In the days of John, the seventh kingdom was not then come. यूहन्ना के दिनों में वो सातवां राज्य का स्थापन नहीं हुई थी. Now we are living in the days of the seventh kingdom. लेकिन अभी हम लोग सातवां साम्राज्य के दिनों में जी रहे हैं. So Revelation 17:10 we'll have to drive our attention again. इसीलिए हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय का 10वां वचन अनुसार. And there are seven kingdoms. हम लोग देख पाते हैं कि सात ऐसा साम्राज्य हैं. Five are fallen. पांच गिर चुके हैं. Egypt. मिस्र. असीरिया. अशूर. बेबीलोन. बाबुल. मेडो पर्शिया. मादियों और फारसियों. ग्रीशियन. और यूनानी. Five are fallen. ये पांच गिर चुके. And one is. और एक है. The sixth kingdom is. और वो छठवां जो साम्राज्य. The Roman kingdom is. और वो रोम का जो साम्राज्य है. And the other is not yet come. और अगला अब तक आया नहीं है. The seventh is not yet come. और वो अब तक नहीं आया है. In the days of John, it was not then come. यानी कि यूहन्ना के दिनों तक वो आया नहीं था. Now the seventh kingdom is come in our days. अभी हमारे दिनों में ये सातवां राज्य आ चुका है. It is the revived Roman Empire. और ये वैसा रोम का साम्राज्य है जो विभाजित हो गया था. European Union. या हम कह सकते हैं यूरोपा का संगठन. और इट इज द किंगडम दैट इज आयरन एंड क्ले. या हम कह सकते हैं उस लोहा और ये मिट्टी का मिलन. ही मस्ट कंटिन्यू अ शॉर्ट स्पेस. और उसको कुछ समय तक रहना अवश्य है. दिस सेवेंथ किंगडम. ये सातवां राज्य. दिस यूरोपियन यूनियन. ये यूरोप का संगठन. इट शुड कंटिन्यू फॉर अ शॉर्ट स्पेस. कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है. एंड इन वर्स 11 और 11वां पद में देखते हैं. वी रीड अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. अगला क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं. आउट ऑफ दिस सेवेंथ. इन सातवां में से. द एइथ वन मस्ट कम. आठवां को आना है. माय डियर ब्रदर माय डियर सिस्टर. मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन. दिस एइथ वन. ये आठवां जो है. वी कॉल हिम द एंटी क्राइस्ट. हम उनको मसीह विरोधी कहते हैं. वी कॉल हिम द लिटिल हॉर्न. हम उसे छोटा सींग करके बुलाते हैं. माय डियर ब्रदर माय डियर सिस्टर. मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन. दिस यूरोपियन यूनियन. और ये जो यूरोप का जो संगठन है. इट इज यूनिफाइड विद अ सिंबल ए वुमेन सिटिंग ऑन द बीस्ट. और ये उस प्रकार का चिन्ह को है एक स्त्री एक बैल के ऊपर बैठी हुई है. यूरोपियन यूनियन. और ये यूरोप का जो संगठन है. नो मोर इट्स अ क्रिश्चियन यूनियन. ये कोई मसीही संगठन नहीं है अभी तक. इट इज नॉट द क्रॉस. इट इज नॉट द बाइबल दैट यूनाइट्स देम. इनको एकत्रित करने के लिए कोई बाइबल नहीं है या क्रूस का चिन्ह नहीं है. द यूनिफाइंग इमेज ऑफ यूरोपियन यूनियन इज द वुमेन सिटिंग ऑन द बीस्ट. लेकिन इन सारे राज्यों को एकत्रित करने के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है वो है एक बैल के ऊपर एक स्त्री जो बैठी हुई है. दिस विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम. और ये कुछ समय तक चलेगा. नाउ द रिलीजियस सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और विश्व भर में जो धर्म का जो प्रणाली है. ऑल्सो इज लाइक एज इट वॉज प्रोफेसाइड इन द बुक ऑफ रेवलेशन. वो भी जैसा भविष्यवाणी किया गया है प्रकाशित वाक्य में वैसा ही होगा. सो इन द डेज ऑफ दीस किंग्स. इसीलिए इन राजाओं के दिनों में. दैट लिटिल हॉर्न मस्ट कम. ये छोटा सींग को आना है. अबाउट दिस लिटिल हॉर्न. इस छोटा सींग के बारे में. आई लव टू ड्रॉ योर अटेंशन टू डैनियल चैप्टर 7. मैं आपका ध्यान का आकर्षण करना चाहूंगा
दानियल के किताब उसका सातवां अध्याय पे इन दिस थर्ड सेगमेंट और इस तीसरा हिस्सा में या भाग में वी आर कंक्लूडिंग द फर्स्ट टॉपिक द लॉस्ट चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड हम लोग इस बात पर समाप्त करते हैं यानी कि इस संसार का अंतिम अध्याय जो विषय है हमारा शीर्षक है उसको समाप्त करते हैं इन डैनियल चैप्टर 7 और देखते हैं दानियल के पुस्तक सातवां अध्याय में डैनियल हैड अ नाइट विजन दानियल के पास एक अच्छा दर्शन मिलती है इट वाज इन द डेज ऑफ द बेबीलोनियन एम्पायर वो बाबुल के साम्राज्य के समय में था प्रोबेबली 63 इयर्स आफ्टर Nebuchadnezzar had a dream. Nebuchadnezzar के सपना के इतने साल बाद Maybe after 63 years since Daniel gave the interpretation of that dream. हो सकता है 63 साल जब उस सपना का वो व्याख्या दे चुका था In the days of King Belshazzar और Belshazzar के समय में Daniel had this dream. और Belshazzar के समय में दानियल को यह सपना मिलता है पॉल डैनियल वॉज अबाउट 83 years old then. उस समय दानियल का उम्र शायद 83 वर्ष का रहा होगा फ्रॉम द ग्रेट सी और उस महान समुद्र से दैट्स द मेडिटेरियन सी वही है वो मेडिटेरेनियन समुद्र इज अ फोर एनिमल्स कमिंग आउट वो चार ऐसे जानवरों को आते हुए देखा फोर एनिमल्स कमिंग आउट और चार ऐसे जानवरों को जंतुओं को वहां से आते हुए देखा एंड द फर्स्ट एनिमल और वो पहला जो जानवर था एज यू सी इन द पिक्चर और जैसे आप इस तस्वीर में देखते हैं इट्स अ लायन विद ईगल विंग्स और एक ऐसा सिंह है जिसके पास उकाब का पंख होते हैं एंड द सेकेंड वन दूसरा जो जानवर है वाज अ बेयर और वो भालू था एंड इट वाज जस्ट इंक्लाइंड वन साइड और वो भालू जो था द थ्री रिब्स इन इट्स माउथ और उसके मुंह में तीन प्रकार के बातें हड्डी जैसा था एंड द थर्ड बीस्ट और तीसरा जो जानवर था इट वाज लाइक अ लेपर्ड और वो एक बाघ के जैसा था एंड दिस लेपर्ड हैड फोर हेड्स और इसके पास चार सिर थे एंड इट हैड फोर विंग्स और इसके पास चार पंख थे टू द फोर डायरेक्शन ऑफ द विंड और जैसा वहां हवा का दिशाएं होती है वैसा पंख थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और वहां पे हम लोग पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देखते हैं एंड द फोर्थ बीस्ट और चौथा जो जंतु था इट वॉज अ लिटिल स्ट्रेंज वन और कुछ डरावना सा भयंकर था एंड इट वॉज इट्स क्लॉज एंड टीथ वर लाइक आयरन और उसका जो दांत जो था वो लोहे जैसा था व्हेन ही सॉ दिस फोर बीस्ट और जब इन चार जंतुओं को उसने देखा It was very easy for Daniel to understand the first beast. और दानियल को पहला जो जानवर जंतु था उसको वो पहचान पाया Lion with eagle wings. और एक शेर जिसके पास उकाब का पंख It was the emblem of the Babylonian Empire. और बाबुल का साम्राज्य का जो मुहर या उसका चिन्ह जो था वो था टू अंडरस्टैंड एनी प्रोफेसी इसीलिए कोई भी भविष्यवाणी को समझने के लिए एंड टू इंटरप्रेट हिस्टोरिकली उसको ऐतिहासिक रूप में अगर हमें व्याख्या देना है वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द आर्बिट्ररी और अ स्टार्टिंग पॉइंट और जो उसमें मध्य बिंदु क्या है उसको समझना जरूरी है इन डैनियल चैप्टर 2 इन द ड्रीम Nebuchadnezzar had और वहां दानियल के पुस्तक दूसरा अध्याय में राजा Nebuchadnezzar जो था the arbitrary or starting point is the golden head और देखते हैं कि वहां सिर जो सोना जैसा था वहां से आरंभ उसका होता है That's the Babylonian Empire. और ये था बाबुल का साम्राज्य Then we try to find out what are the successive empires. इसीलिए जो उसके बाद होने वाला साम्राज्य है उसको पहचान पाते हैं In Revelation chapter 17,
हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में आर्बिट्रेरी पॉइंट इज वहां पे जो मध्य बिंदु है द सिक्स्थ एम्पायर दैट वाज इन द डेज ऑफ जॉन जो यूहन्ना के दिनों में छठवां साम्राज्य जो था वही केंद्रीय बिंदु है फाइव एम्पायर्स हैड फॉलन बिफोर दैट उससे पहले पांच साम्राज्य गिर चुका था एंड द सेवंथ एम्पायर इज नॉट एट कम और सातवां साम्राज्य उसके दिनों तक आया नहीं था सो फ्रॉम दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फाइव एम्पायर्स दैट हैड फॉलन इसलिए हम लोग इस बात को समझने के लिए कोशिश किए उससे पहले पांच साम्राज्य क्या थे इन डैनियल चैप्टर 7 और दानियल के पुस्तक सातवां अध्याय में ये आर्बिट्ररी पॉइंट ये जो केंद्रीय बिंदु है इज द फर्स्ट बीस्ट और वो है पहला जंतु द लायन विद ईगल विंग्स और वो सिंह जिसके पास उकाब का पंख थे लायन इज द किंग ऑफ द बीस्ट एंड द ईगल इज द किंग ऑफ द बर्ड्स हम देखते हैं जानवरों का राजा वो सिंह होता है और पक्षियों का राजा उकाब होती है डैनियल हैड सीन दिस इमेजेस ऑल ओवर दैट कंट्री इस बात को दानियल हर जगह उस देश में देख चुका था नाउ ही कंपेयर्स विद द फर्स्ट ड्रीम इसीलिए उस पहला सपना से तुलना करके देखता है सो द लायन विद द ईगल विंग्स इज द गोल्डन हेड और इसीलिए वो उस बात को समझ पाता है कि ये जो सिंह है वो बाबुल देश है द बेयर इज द सिल्वर ब्रेस्ट और वो देखता है कि वो भालू वो चांदी का सीना है And the leopard is the bronze. और वो रीछ जो था वो है वो पीतल का जो पेट The strange animal is the iron legs. और वो अजीब जो जानवर जंतु था वो था लोहा का पैर The 10 horns of this animal. और इस जंतु का जो 10 सींग है Probably 10 feet of that image. या वो 10 दांत जो था Now we know this lion with the eagle wings, Babylonian Empire. और हम लोग सिंह को बाबुल का साम्राज्य कहते हैं. The bear is the Medo-Persian Empire. और भालू जो है मादियों फारसियों का साम्राज्य को दर्शाती है. The leopard is the Grecian Empire. रीछ जो है वो यूनान साम्राज्य को दर्शाती है. Four heads are the four generals. और चार जो सिंह हैं वो चार शासक थे. Four wings. To the four side corners of the wind. और वो चार पंख जो चारों दिशा का है. His kingdom was divided north, south, east, west. उस साम्राज्य को उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब करके बांटा गया. And the strange beast is the Roman Empire. वहाँ पे अजीब जंतु जो है वो रोम साम्राज्य है. But Daniel was more interested in the fourth beast. लेकिन दानियल उस चौथा उस जंतु पर ज्यादा जोर नहीं दिए When Daniel was looking at the fourth beast, और जब वो उस पर गौर कर रहे थे चौथा जंतु पर 10 horns came. 10 ऐसे सिंह वहां पे आए That would be the seventh kingdom. और वो ही सातवां साम्राज्य होगा With some permutation and combination, और थोड़ा सा तुलना करके देखने से Probably 10 nations of the seventh kingdom will be the ruling nations. और ऐसा सोचा जा सकता है कि 10 ऐसा देश मिलकर के सातवां साम्राज्य बनेगा. That is the seventh kingdom. एक सातवां साम्राज्य है. When Daniel was very closely watching at the fourth beast. और जब दानियल बड़े गंभीर तौर से उस को देख रहा था 10 horns, 10 सींग को 10 toes, और 10 ऐसा उंगलियों को जो पैर में है But something strange is taking place. अचानक से कुछ अजीब वहां हो रही है आउट ऑफ दिस 10 horns, उन 10 सींगों के बीच में से A small horn is coming. एक छोटा सा सींग बढ़ रहा है He didn't see that earlier. उसको पहले वो देखा नहीं था सो बिफोर द स्टोन कुड कम एंड हिट ऑन दिस इमेज लेकिन इस तस्वीर पे जैसा वो आया नहीं था इन अदर वर्ड्स बिफोर जीसस क्राइस्ट कुड कम एंड एस्टैब्लिश हिज किंगडम या दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह अपने साम्राज्य का स्थापन करने से पहले
out of the final seventh kingdom, और उस अंतिम सातवां जो साम्राज्य उसमें से, a little horn must come. एक छोटा सा सींग को निकलना जरूरी है. That is what we saw in eighth chapter also. और हम लोगों ने उसी चीज को दानियल आठवां अध्याय में भी देखा. That was probably after 2 years. और हो सकता है वो 2 साल बाद. Daniel saw a little horn. और दानियल ने एक छोटा सा सींग को देखा. A little horn coming out of the final kingdom. और उस अंतिम साम्राज्य में से एक छोटा सा सींग बढ़ रही है. My dear brother, my dear sister. मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन. In the book of Revelation. देखते हैं प्रकाशित वाक्य के chapter 17. और 17वां अध्याय में. We call him the beast. हम उसको पशु करके the final world ruler. और वही है अंतिम विश्व का शासक. When we know the seventh kingdom is already born. जब हम जानते हैं कि सातवां साम्राज्य का जन्म हो चुका है. Any time this world ruler will come out of the seventh kingdom. कभी भी ये संसार का शासक आ सकता है. That's what we read in Revelation chapter 17 verse 11. और इसी बात को हम लोग प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और उसका 11वां पद में पढ़ते हैं. And the beast that was and is not, even he is the eighth and is of the seven and goeth into perdition. जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है और उन सातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा. About this end time ruler, और इस अंतिम शासक के बारे में, his coming, जो आ रहा है, we read more in Daniel chapter 9. हम उसके आगमन के बारे में दानियल के 9वां अध्याय में पढ़ते हैं. God willing, we'll study that in the next topic. और परमेश्वर की इच्छा होगी तो हम लोग अगला भाग में इसको सीखेंगे, समझेंगे. The eighth kingdom of the book of Revelation chapter 17. और वो होगा उस प्रकाशित वाक्य के 17वां अध्याय में जो 8वां साम्राज्य वही होगा. The united religion will receive him. देखते हैं कि वो मिला हुआ या एकत्रित किया गया धर्म उस मसीह विरोधी को ग्रहण करेगा. There will be a false prophet or the leader of the united religion to usher this antichrist into the world arena. और वहां पे उस मसीह विरोधी को मंच पर चढ़ाने के लिए, जो विश्व का मंच है उस पे चढ़ाने के लिए एक झूठा भविष्यद्वक्ता वहां खड़ा होगा. That we read in Revelation chapter 13. इस बात को साफ हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय में पढ़ते हैं. In Revelation chapter 17, प्रकाशित वाक्य के 17वां अध्याय में, we read this false religious system, the scarlet woman sitting on this beast. हम लोग देखते हैं कि वो जो स्त्री है, जो वेश्या थी, वो कैसे उस जंतु के ऊपर बैठी हुई थी. That false religious system is called the mystery of Babylon. और उसी को बाबुल का भेद करके उस धर्म का जो प्रणाली है उसको कहते हैं. It is a religious system that was against God's worship. वो एक ऐसा धर्म प्रणाली है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर है, उसकी आराधना को रोकती है. This religious system is the mother, is the root of all religious systems. और ये जो धर्म प्रणाली है वो संसार भर का जितना भी धर्म है उन सारे धर्मों का माता या उसका जड़ के रूप में, आधार के रूप में है. In these last days, इन अंतिम दिनों में, even God's people, परमेश्वर के लोग भी, God's servants, परमेश्वर के सेवक भी, they are defiled and corrupted by this religious system. वो भ्रष्ट किए जाते हैं इस धार्मिक प्रणाली के द्वारा. In Revelation chapter 18 verse 4, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय का 14वां वचन में, that the Bible says, बाइबल बतलाती है, my people come out of her,
मेरे लोग उसमें से बाहर निकलो. And again we read in the book of Revelation. और हम फिर से पढ़ते हैं. God's servant has committed adultery with that system. परमेश्वर के सेवक उस स्त्री के साथ व्यभिचार कर चुके हैं. The servants of God have been corrupted by this false religious system. कहने का मतलब परमेश्वर के दास सेवक इस प्रकार के धर्म का जो प्रणाली है उसमें भ्रष्ट किए गए हैं. That is also again as it was prophesied. ये भी उन भविष्यवाणियों के अनुसार ही पूरा हो रहा है. For some time this religious system will ride upon that antichrist. और ये कुछ समय तक ये धार्मिक प्रणाली रहेगा और ऊंचा होगा. To establish himself, अपने आप को स्थिर करने के लिए. This beast, ये पशु, this world ruler, ये विश्व का जो शासक है, he will destroy that religious system. वो उस धर्म का जो प्रणाली है उसका नाश करेगा. And he will declare himself as God and worthy to be worshipped. और वो इस प्रणाली को नाश करने के बाद खुद को परमेश्वर करके घोषणा करेगा ताकि सारे लोग उसकी आराधना करें. He is the beast in Revelation chapter 13. वही प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय में जो पशु करके लिखा गया है. He is the composite beast that carries the scarlet woman in Revelation chapter 17. और प्रकाशित वाक्य उस 17वां अध्याय में जिस स्त्री को उठा ले जाने वाला पशु है वो वही मसीह विरोधी है. He is the little horn. वही है in वो Daniel chapter 8. वो छोटा सींग जो दानियल के पुस्तक 8वां अध्याय में जिसके बारे में वर्णन है. He is a little horn in Daniel chapter 7. और दानियल के पुस्तक 7वां अध्याय में भी उस छोटा सींग का वर्णन है. ये वही व्यक्ति है. In Revelation chapter 17 verse 12. प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय का 12वां पद में. He will be reigning on the face of the earth for a short time with the seventh Roman Empire. और ये सारे राजाओं का सा अधिकार पाएगा और विश्व भर में शासन करेगा. There'll be great tribulation in his days. उसके दिनों में बहुत बड़ा सताव होगा. According to new age consciousness, और जैसा कि वो नया जो युग का जो विवेक है उसके मुताबिक everything will change. सारी बातें बदल जाएंगी. A new economic system will come. एक नया आर्थिक प्रणाली खड़ा हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा. A new transaction will take place. एक नया अदल बदल होगा. He will introduce 666. और वो जो 666 उसका परिचय कराएगा. Without 666 we cannot buy, we cannot sell. और बिना 666 का कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता. Even now, अभी भी, in our country, हमारे देश में, a biometric code is introduced. A biometric code एक is introduced. Biometric code को लोगों ने परिचय कराया है. Everybody must take that biometric code. सब कोई को उस biometric code को अपनाना है. And they want to finish it within 2 months now. और वो लोग चाहते हैं कि 2 महीनों में उसको पूरा करें. That project was to be over before 2012. और दरअसल वो लोग शुरू करते वक्त 2012 में उसको पूरा करना है करके without that biometric number, biometric जो अंक है या नंबर है, you cannot buy your ration. उसके बिना आप कोई चीज खरीद नहीं सकते. You cannot open bank accounts. आप वहां पे बैंक में खाता खोल नहीं सकते. You cannot book your tickets in train in advance. आप अपने जो रेलगाड़ी का बुकिंग है वो कर नहीं सकते आगे. You cannot buy your flight tickets without biometric number. इस बायोमेट्रिक नंबर के बिना आप हवाई जहाज का टिकट खरीद नहीं सकते. You cannot buy your rations. आप अपना रेशन
जो है उसको खरीद नहीं सकते, accounts, आप कोई बैंक खाता खोल नहीं सकते, यू कैन नॉट बुक ट्रेन टिकट्स इन एडवांस, आप अपना रेलगाड़ी का टिकट रिजर्वेशन आरक्षण यू कैन बाय योर फ्लाइट टिकट्स, आप अपने हवाई जहाज का टिकट खरीद नहीं सकते। The days of 666 is not very far from us. और 666 का जो दिन है वो हमसे ज्यादा दूर में नहीं है। This is not just to scare anybody. मैं इसको किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। Are becoming history. लेकिन भविष्यवाणियां कैसा इतिहास बन रही है उसको क्रमानुसार हम लोग देख रहे हैं। He is the man of sin. और वो दुष्टता का पुरुष है। There will be great tribulation on the face of the earth. और विश्व का चेहरा पर एक बड़ा उपद्रव आएगा। 50% of vegetation will be destroyed. और 50% के बातें खत्म हो जाएंगी। 50% of marine life will be destroyed. और मुख्य जीवन में जो 50% है वो समाप्त हो जाएगा। There will be great famine. और बड़ा अकाल सा होगा। There shall be earthquakes. बड़ा बड़ा भूकंप होंगे। There shall be tsunamis. और सुनामियां होती रहेंगी। Great catastrophes will the earth face. बड़े बड़े विनाशकारी बातें होंगी। There will be changes in our ecology. और हमारे इकोलॉजी में बहुत सारा परिवर्तन होंगे। Because of the change in the ecology. और हमारे प्रकृति में इतना परिवर्तन होने के नाते There'll be great heat on the face of the earth. और विश्व भर में संसार भर में बहुत बड़ा गर्मी छा जाएगी। The bodies of men will be burning. और लोगों के शरीर जलता रहेगा। He will always be in high temperature. और हमेशा एक ऊंचा तापमान होगा। And there will be boils all over his face. और बहुत सारे ऐसे गिल्टियां शरीर के ऊपर आने का उम्मीद है। There will be sores on his tongues. बहुत सारा फोड़ाएं और जख्म जीभ के ऊपर और शरीर के ऊपर होने का बात है। There will be great plagues. और बड़े बड़े ऐसी बीमारियां महामारी फैलेंगे। Plagues which we have never heard before. और जो महामारी इससे पहले नहीं हुई उस वैसे प्रकार का महामारियां होंगे। साइंटिस्ट डिक्लेयर और वैज्ञानिक लोग कहते हैं फ्रॉम 2025 और 2025 तक वी कैन नॉट गेट ड्रिंकिंग वाटर, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होंगे। डे इन एंड डे आउट और दिन एक एक दिन में इन मोस्ट ऑफ द चैनल्स दे डिक्लेयर, हम लोग इस बात को एक एक चैनल में देख सकते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, तीसरा महायुद्ध जो है वो पीने का जो पानी यानी कि पेय जल के कारण होगा। देयर विल बी ग्रेट लोकस्ट्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और बड़े बड़े टिड्डियां संसार भर में दिखाई देंगे। दे विल डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन, वो खेती भारी को समाप्त कर देगा। वॉटर विल बिकम ब्लड, और पानी खून बन जाएगा। इवन टुडे वी डोंट गेट गुड वॉटर, आज भी हमें अच्छा पानी नहीं मिल पाता। Many places the water is brackish. बहुत बार ये पानी बहुत ही खराब हमें मिलता है। ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग वेरी फास्ट, और जो जमीन के नीचे जो पानी है वो बहुत कम होता जा रहा है। द वाटर विल बिकम ब्लड, ये पानी खून होता जाएगा। माय डियर ब्रदर माय डियर सिस्टर, मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन, टेरिबल डेज आर अहेड, और इस प्रकार के भयंकर दिन आगे हमारे हैं। ऑलरेडी वी सी द होराइजन ऑफ दीज इवेंट्स, और इन बातों का शुरुआत को हम अभी भी देख पा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ द ट्रिबुलेशन, इस प्रकार के उपद्रव के चलते, बिकॉज गॉड्स रॉथ इज पोर्ड अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, परमेश्वर का क्रोध सारे संसार पर उंडेले जाने के नाते, इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 8 और 9, अगर आप प्रकाशित वाक्य 8वां और 9वां अध्याय इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16, अगर आप प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय को पढ़ेंगे, वी सी व्हाट आर द टेरिबल थिंग्स दैट विल टेक प्लेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इन द लास्ट 7 इयर्स, हम देख पाएंगे कि अंतिम 7 सालों में क्या क्या बातें होंगी घटेंगी। द फर्स्ट 3.5 इयर्स ट्रिबुलेशन, और पहला जो
बात है वो उपद्रव है. The last 3.5 years, great tribulation. और अंत में दिया गया कि महा उपद्रव. Without 666, we cannot buy, we cannot sell. और बिना इस 666 का हम कुछ बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते. In these last days, इन अंतिम दिनों में, the world will be divided into three power blocks. और विश्व को तीन ऐसा सामर्थ्य क्षेत्रों के रूप में बांटा जाएगा. On the north, in the north, उत्तर में, it was under the leadership of Russia. वो रूस के नेतृत्व में होगा. Magog, Tobolsky. और मॉस्को, टोबोल्स्की. और वहां पे देखते हैं जितने देश हैं वहां. सो इट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया. और रशिया के नेतृत्व में. एंड देयर विल बी अनदर पावर ब्लॉक अंडर द लीडरशिप ऑफ द एंटी क्राइस्ट. हम देखते हैं दूसरा एक सामर्थ्य का एक क्षेत्र होगा. दैट इज मसीह विरोधी के यूरोपियन यूनियन. और यहां पे देखते हैं कि वो यूरोप का संगठन, इसराइल, इज़राइल, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, अंग्रेजी बोलने वाले देश, लाइक अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. और जैसा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा देश जो अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं. वन ब्लॉक. और ये एक तरफ है द कंट्रीज ऑफ द लैंड ऑफ द राइसिंग सन. और दूसरा जहां पे सूरज उगती है वो देश, द ओरिएंटल कंट्रीज, और जिसको ओरिएंटल देश करके कहते हैं, दैट विल बी वन पावर ब्लॉक. और वो भी एक सामर्थ्य का क्षेत्र होगा. यस, सिचुएशन कम्स. एक ऐसा वातावरण आएगा. यस, सिचुएशन कम्स. एक ऐसा वातावरण आएगा. इफ आई वांट टू लिव, अगर मैं, मुझको जीना है, यू कैनॉट लिव. आप नहीं जी सकते. इफ यू वॉन्ट टू लिव, अगर आप जीना चाहते हैं, आई शुड नॉट लिव. मुझको नहीं जीना है. फाइनल ग्लोबल वॉर. और इस प्रकार अंतिम विश्व महायुद्ध. फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर से, द नॉर्दर्न कॉन्फेडरेसी इज कमिंग. और उस प्रकार के देश आ रहे हैं. फ्रॉम द साउथ, दक्षिण से, द सदर्न कॉन्फेडरेसी इज going. और इस प्रकार मिलकर के देश आ रही हैं. Both are going to take that wealth, that treasure that is in the Dead Sea. और वहां पे जो खजाना है उसको ये लोग लेने जा रहे हैं, जो मृत्यु का समुंदर कहा जाता है वहां पे. According to the prophecies, वहां भविष्यवाणियों के अनुसार, the Euphrates will dry. फरात नदी सूख जाएगी. From the east, और पूरब से, the kings of the land of the rising sun will come. और सूरज जहां उगती है वो देश, उन देशों में से लोग आएंगे. From the north, उत्तर से, From the south, दक्षिण से, From the west, और पश्चिम से, the three armies will come for the final countdown. और वहां पे अंतिम गिनती के लिए लोग आएंगे. They will come for the final countdown. एक ऐसा युद्ध के लिए आएंगे. सडनली, अचानक से, दे विल हियर अ ट्रम्पेट ब्लो. एक ऐसा तुरही. फ्रॉम वेयर डज दिस ट्रम्पेट साउंड कम? ये तुरही का आवाज कहां से आ रही है? फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम द साउथ, फ्रॉम द ईस्ट. क्या ये उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से? हु इज रनिंग, हु रन डाउन द लास्ट काउंटडाउन? और कौन उस अंतिम गिनती में आएंगे? When they all were puzzled, और जब ये सब कोई दुविधा में, असमंजस में, grows louder and louder, और वो तुरही का आवाज और जोर होता जा रहा है. It comes from above, वो ऊपर से आ रहा है. They lift up their heads, और वहां पे, in history it will take place, और वहां पे जो होगा, the stone that is cut without hands, और वो पत्थर जो खोदा गया बिना कोई हाथ का, the stone that is cut without hands, और वो जो पत्थर जो किसी हाथ से खोदा नहीं गया, in the days of these kings, और इन राजाओं के जगह पे, will come and smite on this image, इन सारे बातों के ऊपर, तस्वीर के ऊपर आकर के पहुंचेगा, will come and hit on this human government, और इस
मानव के संसार के ऊपर आ उतरेगा. In the book of Revelation chapter 17 verse 14, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय के 14वां पद के अनुसार, When they gather for the final global war, और जैसे वो लोग उस अंतिम विश्व का युद्ध के लिए आएंगे, The Lamb of God, परमेश्वर का मेमना, Son of God, परमेश्वर का पुत्र, King of Kings, राजाओं का राजा, Lord of Lords, प्रभुओं का प्रभु, He will come back to establish His kingdom. वो वापस आएंगे और अपना साम्राज्य को स्थापन करेंगे. Jesus said, I will come again. यीशु मसीह ने कहा, मैं वापस आऊंगा. Jesus will come again. यीशु वापस आएंगे. Jesus will come again. यीशु मसीह वापस आएंगे. Now when we know that we are in the seventh kingdom. और जब हम जानते हैं कि हम सातवां साम्राज्य में हैं, एनी टाइम फ्रॉम द सेवंथ किंगडम द एइथ किंग विल कम, और कोई भी ऐसा उस समय में आठवां साम्राज्य स्थापन करने वाला आएगा, देयर विल बी अ फॉल्स रिलीजियस सिस्टम, एक झूठी धार्मिक प्रणाली होगी, देयर विल बी अ न्यू एज कॉन्शियसनेस, एक नया युग का वहां विवेक होगा, देयर विल बी ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन, उपद्रव होगा, उसके बाद महा उपद्रव होगा. इन दीज डेज, इन दिनों में ही जीसस वुड कम अगेन, यीशु मसीह वापस आएंगे. वी नो द सेवंथ किंगडम इज बॉर्न, और जब हम जानते हैं सातवां साम्राज्य आ चुका है, when we know any time this man, the son of perdition will come out, और हम जब जानते हैं कि कभी भी ये दुष्ट आदमी मसीह विरोधी आ सकता है, the little horn will emerge, और वो छोटा सा सींग वो उठ सकता है, the end of the days of tribulation, और वही है उपद्रव का, as it was prophesied, जैसा भविष्यवाणी किया गया, Jesus will come again, यीशु मसीह उस समय Jesus will come again, में आएगा, Jesus will come again. यीशु मसीह वापस आएंगे. When Jesus would come again, और जैसे यीशु मसीह वापस आएंगे, in Revelation 17:14, प्रकाशित वाक्य 17 का 14 के अनुसार, we read a group of people would come with Jesus. हम लोग जानते हैं कि एक छोटा झुंड आएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ. Who are they? ये लोग कौन है? The Bible बतलाती है. They are called. वो ऐसा कहलाते हैं. They are called. वो ऐसा कहलाते हैं. Faithful. वो विश्वास योग्य, chosen, चुने हुए. Who are those people? ये लोग कौन हैं? When did they join Jesus Christ? कब यीशु मसीह के संग वो लोग होलेंगे? When did they join Jesus Christ? कब यीशु मसीह के संग संग वो लोग होंगे? I will explain this in the next topic. अगला विषय में इस बात के बारे में मैं आपसे बात करूंगा. When we know that the appearance of the Antichrist is very close. जब हम जानते हैं कि ये मसीह विरोधी का जो आना बहुत नजदीक है, We understand, हम समझेंगे, The return of Jesus Christ is imminent. प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है. He is at the door. वो उस डेवड़ी पर है. Before the Antichrist would come, मसीह विरोधी आने से पहले, Something very dramatic should take place on the earth. कुछ तो नाटकीय रूप में विश्व भर में होगा. In the third topic, I will explain that. तीसरा शीर्षक के तले में इन बातों को मैं विस्तार रूप से आपको बताऊंगा. What will happen in the history of Israel? और इस इज़राइल के इतिहास में क्या होगा? It will continue in the next lesson. उसको हम अगला पाठ में देखेंगे. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने पाए.